हो बच्चों, ये है कहानियों का पिटारा और देखते हैं आज के पिटारे में से कौन सी कहानी निकलती है। तो आज की कहानी है एक पैरट की, जिसने लालच नहीं किया और शिकारी के जाल में फंसने से बच गया। तो सुने कहानी। एक बार एक पैरट था, उसका नाम था छोटू पैरट। छोटू पैरट रोज सुबह उठकर एक गांव यानी विलेज की ओर उड़ के चला जाता था। वहां पर खाने पीने की काफी चीजें मिल जाती थी, पर छोटू तोते को सबसे ज्यादा पसंद थी मिर्ची। गांव के लोगों को भी मिर्ची बहुत पसंद थी और वो रोज खाने के साथ हरी मिर्ची भी खाते थे। तो छोटू तोता इंतजार करता था कि कोई खाना खाने बैठे तो वो जल्दी से नीचे जाकर उनकी प्लेट में से मिर्ची उठाकर भाग जाता था। लोग इस बात से बड़े परेशान थे। एक बार उन सब लोगों ने साथ में बैठकर इस बारे में बात की। सब छोटू तोते से बहुत परेशान थे, पर वो सब लोग मन के बहुत अच्छे थे और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये फैसला किया कि हर रोज कुछ लोग अपने घर के बाहर एक एक मिर्ची छोटे तोते के लिए रख देंगे, ताकि उसको किसी की प्लेट से ना उठानी पड़े। इससे छोटू तोते को भी खाने को मिल जाएगा और एक एक मिर्ची रखने में किसी का नुकसान भी नहीं होगा और छोटू तोता किसी की प्लेट में से सामान नहीं लेकर जाएगा। अगले दिन जब छोटू तोता आया तो उसने देखा कि 5 घरों ने एक एक हरी मिर्ची अपने घर के बाहर और एक कप में पानी भर के भी रखा हुआ है। पहले तो उसे समझ नहीं आया, पर वो उसके आसपास जाकर फुदकने लगा तो किसी ने उसे रोका भी नहीं और देखकर मुस्कुराते रहे। ये देखकर तो उसने फटाफट मिर्ची खाई और बहुत खुश हो गया। अब तो रोज छोटू तोता आता और फुदकता फुदकता जहाँ जहाँ उसके लिए मिर्ची रखी होती वो खा लेता। बच्चे भी उसे देखकर बहुत खुश होते और उसके साथ खेलते। वो भी सब गांव वालों से बहुत प्यार करता था। एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए एक पेड़ के नीचे जाल डालकर उस पर बहुत सारी मिर्ची रख दी। जब छोटू तोता आया तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे इतनी सारी मिर्ची रखी है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो पेड़ के नीचे से इतनी सारी मिर्ची खाए या फिर जिन घरों ने उसके लिए मिर्ची और पानी रखा है वहां जाए। एक बार तो उसके मन में लालच आया कि इतना सारा खाना एक साथ मिल जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इतनी सारी ना तो खा सकता और ये गांव वाले मेरे लिए इतने प्यार से खाना रखते हैं और ये मिर्च किसी शिकारी ने भी तो रखी हो सकती है, इसलिए मुझे लालच नहीं करना चाहिए। ये सब सोचकर उसने उन मिर्चों का लालच छोड़कर बच्चों के साथ फुदकते फुदकते अपना खाना खाया और खूब खेला। उधर शिकारी ने देखा शाम तक जाल में कोई चिड़िया नहीं फंसी और वो अपना जाल लेकर चला गया। आज लालच ना करने की वजह से छोटू तोता जाल में फंसने से बच गया। हमें भी इसी तरह लालच नहीं करना चाहिए और जो हमारे पास होता है उसमें खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अगली कहानी कल सुनेंगे।